परमाणु कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी व कैटर यूनिट के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। इसके अलावा कई वाहनों के साथ तोड़फोड़ की गई। इस संघर्ष पर पुलिस शुरुआत में काबू न पा सकी और उपद्रवियां उनके समक्ष खूनी संघर्ष को अंजाम देते रहे, साथ ही सड़क पर गाड़ियों को दौड़ाते रहे। जब पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर भांपा तो पुलिस ने पिस्तौल को हवा में लहराया और उपद्रवियों को चेतावनी दी, तब जाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आई। मिली जानकारी के अनुसार ये विवाद ट्रांसपोर्ट सोसाइटी और कैंटर यूनियन पर कब्जा करने के लिए 2 गुटों के बीच चल रहा था और यह संघर्ष पिछले 4 दिनों से जारी था, जिसके चलते परमाणु में यह खूनी संघर्ष चल रहा था। कुछ दिन पहले एक पक्ष ने पूर्व कांग्रेस नेता हरदीप सिंह बाबा के घर पर हमला किया था। उसके बाद हरदीप सिंह बाबा ने परमाणु के कैंटर यूनियन की हड़ताल आरंभ कर दी थी, लेकिन बाद में जिला प्रशासन की मध्यस्थता के बाद इस हड़ताल को खत्म करवाया गया। जब कुछ कैंटर उद्योगों से माल लाद रहे थे तो कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट एजेंसी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और सोसाइटी के सदस्यों ने माल भर रही गाड़ियों पर पथराव किया और उनके साथ तोड़फोड़ भी की और साथ ही चालक को माल न लादने की चेतावनी भी दी। अभी भी परमाणु में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और दोनों गुटों में अभी भी तनातनी चल रही है। इसी खूनी संघर्ष में परमाणु कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी के सदस्य प्रमोद शर्मा, राजू, राहुल, शेर सिंह व फूलचंद घायल हो गए हैं, जबकि कैटर यूनियन के कालू व पप्पू भी घायल हो गए हैं। पुलिस की मौजूदगी में ईटक यूनियन पर कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी का कब्जा है, लेकिन अब पेंटर यूनियन ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। कैंटर यूनियन के अध्यक्ष हरदीप सिंह बाबा ने यह आरोप लगाया है कि भाजपा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और सत्ता के दबाव में ही उनकी पेंट यूनियन का कब्जा किया गया है, जो बेहद गलत है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परमाणु कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी के प्रधान अमरनाथ शर्मा ने कहा कि कैटर यूनियन हिमाचल की प्रवेश द्वार परमाणु में दहशत फैलाना चाहती है, लेकिन वो ऐसा कतई नहीं होने देंगी और पेंटर यूनियन को अब कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी ही चलाएगी और अब वह किसी भी सूरत में गुंडा तत्वों को हावी होने नहीं देंगे।